हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। आयुष्मान खुराना की आर्टिकल 15 आज स्टेटस पर दस्तक दे चुकी है, जो कि समाज में हो रहे दलितों के खिलाफ अत्याचार और भेदभाव पर बेस्ड है। बता दें कि फिल्म का डायरेक्शन अनुभव सिन्हा ने किया है, और अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो पहले एक नज़र हमारे इस रिपोर्ट पर ज़रूर डाल लें, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि ये फिल्म आपके देखने लायक है या नहीं। शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। ये फिल्म एक ऐसे दलित की कहानी है जिसे आज भी हीन भावना से देखा जाता है और उन्हें समाज का हिस्सा नहीं समझा जाता। फिल्म में दिखाया गया है कि मध्य प्रदेश के लालगांव इलाके का चार्ज आईपीएस ऑफिसर अयान रंजन यानी कि आयुष्मान खुराना को दिया जाता है। यूरोप से हायर स्टडीज करके लौटा अयान अभी वहां के माहौल को सही तरह से समझ भी नहीं पाता कि उसे खबर मिलती है कि गांव की तीन लड़कियां, जिनमें से एक गायब रहती है और बाकी दो के साथ गैंगरेप कर उनके शरीर को फांसी लगा दिया जाता है, जिसके बाद अयान उन दोनों लड़कियों के हथियारों और गुमशुदा लड़की की तलाश में निकल जाता है। लेकिन क्या वो सच्चाई के तह तक पहुंचकर उन हथियारों को पकड़ पाता है, ये जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। बता दें कि क्रिटिक्स ने फिल्म को शानदार बताया है। उनका कहना है कि फिल्म की कहानी समाज में जाति और धर्म के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ एक गहरा संदेश देती है। वहीं फिल्म के कई डायलॉग्स इतने जबरदस्त हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात करें स्टार्स की एक्टिंग की, तो आयुष्मान ने एक बार फिर अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया है। साथ ही सयानी गुप्ता ने भी दलित महिला का रोल बखूबी निभाया है। वहीं फिल्म के बाकी स्टार्स जैसे मनोज पाहवा, ईशा तलवार, कुमुद मिश्रा ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आप एक क्राइम थ्रिलर देखने का शौक रखते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को 4 स्टार्स मिले हैं।